Welcome to Time News Studios. You are watching 11 p.m. Bulletin. इस्लामाबाद इंतजामिया तरफ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलन जा गैर कानूनी चैम्बर ड्राहन बाद वकीलन जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चढ़ाई भंजराबाद चीफ जस्टिस अतर मिनला के यगमाल बनाया वो वकीलन जी चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजेस खिलाफ नारेबाजी पुलिस नफरी देर से पौती इस्लामाबाद जो जिले अदालतों हाई कोर्ट इंदर हुक्मन तीन बंद वाके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनला जी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात वाके बाबत आगाही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पारा वाके में मुलविस मानून खिलाफ कार्रवाई की हिदायत इस्लामाबाद के रमना थाने से 22 वकीलन समेत 300 जड़न खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल इस्लामाबाद इंतजामिया पुलिस सीडीए गैर कानूनी ऑपरेशन करे वकीलन जो कीमती शयूं चोरी क्यों सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो रद्द अमल बिन्हीं वाक्यन की जुडिशल कमीशन जरिए जांच कराने जो मुतालबो गड़ियल बयान में चयो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलन जा चैम्बर्स ड्राहन जो मुआवजो दई चैम्बर्स की बिना देर अदावत कई वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलन से गड आयू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले के मुनासिब अंदाज में हल कर मुनासिब हल न थो तो वकीलन जो आवाज़ सजे मुल्क में गूंज इस्लामाबाद जो अदालतों बंद कर इंतहाई जुर्म है कौमी असेंबली में हुकूमती ओपोजिशन मेंबर्स विच में झेड़े की जांच मुकम्मल जिम्मेवार मेंबर्स के नोटिस जारी स्पीकर असद केसर की सदारत में इजलास दौरान झेड़े के फुटेजेस में तस्वीरों को जायजो वरतो वो इजलास बाद पीपी एमएनए नवीद कमर नून लीग एमएनए हामिद हमीद और पीटीआई एमएनए अताउल्ला के नोटिस जारी किया वह रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करें अगर खुदा ना खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा हमला होगा पाकिस्तान की जम्हूरियत पे। अगर प्रेसिडेंट्स के दफ्तर से या कोर्ट के थ्रू लेजिस्लेशन होना है तो फिर आप नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को बंद करें। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके मेम्बरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है और इंशाल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम चूंडन में वोटन की खरीदारी ए विक्रो रोकन लाए कानून साजी ते तैयार आयूं ऑर्डिनेंस जरिए आइन के तब्दील नथो करे सकजे पीटीआई जी साजिश कामयाब थी तो वो जमहूरियत ते वरो हमलो हुंदो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी सेनेट चूंडू ओपन बैलेट जरिए कराइन वारे सदारती ऑर्डिनेंस के चैलेंज करण जो ऐलान करे छड़ियो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो तो पीटीआई वट सेनेट चूंडन लाए अक्सरियत ना है उनके लिकायण लाए ऑर्डिनेंस जो सहारो वरतो पे वे हुकुमरान के बुधायण चाहिया तो ओपन वोटिंग में भी हुकूमती मेंबर के वोट न डींदा ओपन वोटिंग की सूरत में भी हुकूमत के टफ टाइम डींदी बुझे तरीके से वोट जो हक भी खसो वो तो सियासी जमातन जो सख्त रद्दमल डी जी आई एस पी आर के बयान से मुतफिक आया असो भी उसूली मौकफ़ है तो फौज जो सियासत में किरदार न होजन घुर्जे पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान जी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात जरियन मौजूद मौलाना फजल रहमान अगोने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात कई सुभाने हैदराबाद जलसे बैतमादी रेत लॉन्ग मार्च ए सैनट चूंडन बाबत सलाह मशवरा हैदराबाद में पीडीएम के सुभाने रिथियल जलसे जो तैयारियों तेज हथड़ी बाईपास के जलसे गाह में कुर्सियों लगाई वो टे धारधार स्टेज भी तैयार बिलावल भुट्टो जरदारी फजल रहमान ए बया खिताब कह मरियम नवाज हादसे में धी के जख्मी थे सबब जलसे में शिरकत न कंदी जिन मानून खिलाफ अरबन जा करप्शन केसेस हली रहा उ एनआरओ पया घुरन जिन मानून जो परडे में अरबे रुपये जो मिल्कियतू आन उ जवाब ना दई सकन वजीर आजम इमरान खान है तो हुकुमरान की चोरी से मुल्क तबाह
कौम सुठे खराब की तमीज़ खत्म कंदी है वह कौम तबाह की वी। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे वजीर आजम तो ओलह वारन मुल्कन दहशतगर्दी के इस्लाम से गंढियो उतां के मानुन जो दीन बाबत रवैयो असां के माशरे का मुख्तलिफ है। इस्लाम से थींदड़ हमलन के रोकण मुसलमान मुल्कन के सरबराह जो फर्ज है। फौज जहाँ कंसा भी कें किस्म जहाँ बैकडोर रबता ना अड़ा अफवाह पखेड़ींदड़ सबूत दिखारन तो केर कंसा कॉल से गाले तो। DGISPR जो PDM एस्टैब्लिशमेंट विच में रबतन बाबत सवाल जो जवाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार चयो तो तहकीक बिना गाल करण कें भी नथो सूहे। अफवाह पखेड़ींदड़न के बीह चवान तो फौज के सियासत में न गिहलो वे फौज जो सियासत से वास्तो ना है। DGISPR चयो तो पाकिस्तान खिलाफ भारतीय साजिशन के नाकाम बणायो है। गड़ियल कौम नारो पेश कल डोजियर में भारतीय मनसूबन के वायको कर छो। जबल चाढ़ू अली सतवारा कौम जो हीरो है। अली ए संद साथियों की गोला लाए ऑपरेशन जारी रखो वो। पाक फौज पंजो आईनी किरदार अदा कर रही है। ओपोजिशन जानी वाणी इदारन ए शख्सियतन के तकरारी बनाने चाहे थी। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी है तो जैसे ओपोजिशन वट सबूत आन तो सामू आने रुगो अफवाह के इदारन की तोहन पाकिस्तान के बयानिए मुल्की मफाद के नुकसान पहुंचाने बराबर है। मुजफ्फराबाद में जलसन दौरान कश्मीर के सौदे की गाल करण गैर जिम्मेवारानो अमल है। PDM मुल्की मफाद के अगर रखे पाकिस्तान में डफेड़ पखेड़ जो फायदो भारत के थी। लगे तो सैनेट चूंडन बाबत सदारती ऑर्डिनेंस रुगो अफवाह के बुनियाद से जारी किया वो। हुकूमत के ऑर्डिनेंस जारी करण का रोके नथा सकूं कोई भी मामले की डिसी था वटूं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट चूंडन बाबत सदारती रेफरेंस के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जा रिमार्क्स बुधनी दौरान सेनेटर रजा रब्बानी तरफा भी सदारती ऑर्डिनेंस से खदशन जो इजहार। चीफ जस्टिस तो रजा रब्बानी साहब बद दयानत मानुन के चूंडजन न घुर्जे। सेनेट चूंडू शिफाफ थियन घुर्जन जैकड़े सेनेट चूंडू ओपन बैलेट जरिए कराने जो सबब शिफाफियत है तो तुम मुखालफत छो पाया कर। रजा रब्बानी चो तो का भी सियासी पार्टी शिफाफियत के एतराज़ न पी कर बुनियादी सवाल शिफाफियत ना है। जस्टिस एजाजुल हसन चयो तो सुप्रीम कोर्ट राय दिनी तो सेनेट चूंडू आइन तहत नथियूं थियन तो ऑर्डिनेंस लागू थींदो। जेकरें इहा राय आई तो सेनेट चूंडू आइन तहत थियन थियूं तो ऑर्डिनेंस पाण मुरादो खत्म थी वेंदो। सबसे ज़्यादा मुतासिर डिस्ट्रिक्ट था कश्मीर था, वहाँ पे काफ़ी मतलब 90% इम्प्रूवमेंट हो गई है। बाकी जो दूसरे अखबार की वारदात है उसमें तो हमें मीडिया का साथ चाहिए। उसमें 95% जो लोग हैं वो हनी ट्रैप यानी किसी खातून की फ़ोन पे जाते हैं और वो कई लोग हमें बताते भी नहीं। मीडिया कोई चीज़ उजागर करने की जरूरत है। ये उस तरह प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले होता था कि किसी को रोड से उठा के ले जाए या किसी के घर के उसके उसको अगवा करें। ये उनको फ़ोन करके ट्रैप करते हैं। IG सिंध मुश्ताक महर तरफा कश्मीर जिले में अगवा वाकन से 90% जब्तो आणन की दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे IG चयो तो अगवा जहाँ सब का वाकया कश्मीर जिले में थींदा हुआ हाँ उते 90% सूरतहाल बेहतर है। उत्तर सिंध में 95% मानू औरताने आवाज से हिरकजी अगवा थियन था। पे मू रोडन घर में अगवा थींदा हुआ हाँ अड़ी सूरतहाल ना है। IG सिंध चयो तो कराची में दहशतगर्दन से गड कौम परस्तन जहाँ स्लिपर सेल भी मौजूद हैं जी सरगर्मियों कंदा रहन था। सूबाई वफाकी हुकूमत के भी खबर है जदीद टेक्नोलॉजी का सवाए स्ट्रीट क्राइम से जब्तों आणन रुख्य है। हैदराबाद में सुबह PDM के जलसे दौरान आटोबान रोड के दुकानदार के कारोबार बंद रखने लाइ नोटिस जारी। हुसैनाबाद पुलिस नोटिस में है सुभाने मंझंद 1 वगे का रात 10 वगे तीन कारोबार बंद रखे वे अड़े नोटिस के तनकीद बाद SSP हैदराबाद जांच जो हुक्म दे छो। ASP कैंट के जांच कर रिपोर्ट पेश करण की हिदायत। घारो में कराची वासी डॉक्टर जोड़े जो कत्ल या फितरी मौत पुलिस वाके ते कागजी कार्रवाई खाना पूरी करण बाद खामोश थी वेही रही। डॉक्टर इब्रार
संदस घरवारी डॉक्टर रेहाना जा वारिस पोस्टमार्टम कराने बिना लाश कराची खड़ी वह जोड़े के लाश केमिकल फैक्ट्री में हथ क्या वह हुआ। एस एस पी डॉक्टर इमरान डॉक्टर जोड़ो पैंजे केमिकल लेबॉरटरी में कम कह हो लगे तो डॉक्टर इब्रार संदस घरवारी लेबॉरटरी अंदर साह बुसार सबब फौत वारसन तरफा केस दाखिल कराने बाद कार्रवाई कई वी वारसन के इनकार सबब लाशन को पोस्टमार्टम न कराया वो। कराची में सिंध असेंबली सूधो बेन अहम सरकारी इमारतों से वही दहशतगर्दी को मनसूबो नाकाम बनाने की दावा। सिटी डीजी शाह लतीफ टाउन में कार्रवाई दौरान एक दहशतगर्द मारिजी वो छह का गिरफ्तार। धमाकेदार मादो ए हथियार हद सूबाई वजीर नासिर शाह आई जी सिंध मुश्ताक महर गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते दावा कई तो दहशतगर्द सिंध असेंबली से हमले की मनसूबाबंदी कर रहा हुआ। मारिजी वल दहशतगर्द आपघाती बम्बार हो आई जी सिंध मुश्ताक महर तो दहशतगर्दन जो वारस्तो रास है। सिंध सरकार चीन का कोरोना वैक्सीन जा 2 करोड़ डोज खरीद कंदी। सेहत वारी वजीर अजरा फजल पेचू हो चीनी कौंसल जनरल विच में मुलाकात दौरान इतफाक सेहत की वजीर तरफा चीन के सिंध जो अस्पतालों बिया सेहत की सहूलतन वारा यूनिट्स छाने की दावत। मुलाकात में सिंध के डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स के ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसन की तरबियत ला चीन उमाणन से भी इतफाक। सिंध में मनपसंद मानून के कोरोना वैक्सीन लगाने वाले इंकशाफ बाद हेल्थ वर्कर्स ला नादरा कोर्स जारी। एनसीओसी तरफा सेहत खाते के सेंटर्स में मॉनिटरिंग बढ़ाने का फैसलो। गुजरियल ढी अगोणे गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की धी ए नाठी के वैक्सीन लगाने के इंकशाफ बाद इंक्वायरी ला कमेटी जोड़ी वही हुई। रोड़ी वेझो जवाबदार कारें इल्जाम हेठ पंजी नौजवान न्याणी के कतल कर छोड़ो। पुलिस नारी रोशन के कतल कर जवाबदार अब्दुल हमीद जागीरानी के गिरफ्तार कर वरतो। वाके बाद इलाके में 10 का पकड़ी वो। खानपुर भरसा में औरतों समेत 3 जन के अगवा वाके जो ड्रॉप सीन 3 जना हथ। पंजाब वासन औरत शाजिया भट्टी पारा निकाह मथा निकाह करण जो इंकशाफ। संदस चवणा है तो पेरे मुड़स मोहम्मद आमिर के घर निकरी खानपुर वासी मोहम्मद इस्माइल से अदालत में निकाह कयो। हाने पेरे मुड़स से गड वन चाहे थी। पुलिस चवणा है तो नारी के बे मुड़स के जैसे खबर पई तो संदस पेरियां भी शादी थियल है तं कर रात पेरे मुड़स हवाले कर नारी के सुभाने अदालत में पेश कयो वेंदो। अदालती हुकुम तहत वधिक कार्रवाई अमल में आंदी वेंदी। सिंध के ताजो 18 ग्रेड में तरक्यू माणींदड़ 11 कामरन में अक्सर डिप्टी सेक्रेटरी बणजी वया अब्दुल करीम जुमाणी। सूबाई राबतन वे खाते में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर मोहम्मद अली शेख। सेहत खाते में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर दिल मुराद रिंद के गवर्नर सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर कयो वयो। रहमान मरी ट्रांसपोर्ट खाते में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर अहमद अली शेख। घरू खाते में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर जहीर अब्बास मीर। सेहत खाते में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर खादिम बुरड़ो के घरू खाते में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर कयो वयो। समीना राजपूत के घरू गवर्नर सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी मुकरर कयो वयो। कोटडे की भरसा गोठ नौकर शहर में 7 वरन की निगरी शहनीला अली शहर के पी तरफा मुबैना तौर 1.5 लाख रुपयन एवज परणायण जो इंकशाफ। निगरी के वालिद जमील शहर संदस डाडे मेहराब शहर वीडियो बयान में शादी की तरदीद कर छी। संदन चवणा है तो निगरी जो निकाह न पर फरहान शहर से मंगनी हुई। असा मुखालिफ वीडियो ठाए मंगनी की रस्म के निकाह जो रंग दई बदनाम कर रहा है। वेमेन एक्शन फोरम वेमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट पारा औरतों के आलमी दिन से हैदराबाद में औरत आज़ादी मार्च जो ऐलान। इजलास बाद फैसलो किया वो तो 8 मार्च से हैदराबाद में औरत आज़ादी मार्च किया वो। समूरी तरक्की पसंद धुरन के मार्च में शिरकत की दावत दिनी वी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गए आऊँ हाँ ताहिरा वजीर। हेडलाइंस वहाँ रिठियूँ तफसीली खबरों शॉर्ट ब्रेक खां पर।